सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त आज दशमी के दिन मैं पहुंचा हूं बागेश्वर रामलीला कमेटी में और जहां जो चल रहे भव्य रूप से रामलीला चल रही है। और रामलीला की बात कहें तो आज भी हमारे बागेश्वर में जो रामलीला का क्रेज है वो दिखाई दे रहा है। हमारे सारे युवा जो है यहाँ आए हैं और तो और गदा लेके भी आए हैं। तो जय श्री राम। देखो भाई लोग, हेलो, कैसे हो? ओ यार, मैं कह सकता हूँ अभी भी रामलीला का क्रेज है। ये वही जगह है जहाँ मैं बैठता था। हेलो गाइस, मेघनाथ ने अमरता का वरदान मांगा था, जिसे क्या बात है, ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया और बोला मैं पहुँचा हूँ बागेश्वर की रामलीला में। अपनी कुंडली भी ये देखिए, यहाँ जो है यज्ञ हवन करेगा तो उसमें से राम जी यहाँ तैयार बैठे हैं और हमारी युवा भाई इधर हैं। तो तुझे हेलो पृथ्वी पर क्या बात है, तो इसी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तो ये है रामलीला का क्रेज आज भी है। एक बार और जिसके बारे में रावण उसके दूर राम लक्ष्मण किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं होती है। ये है यार हमारे भाई जो मतलब यार इतनी ठंड हो रही है और उसमें भी बैठे हुए हैं और नन्हे मुन्ने युवाओं के साथ यदि यज्ञ में से रथ निकलेगा और रथ पर अगर मेघनाथ सवार हो गया तो वह एक ही दिवस में पूरा का पूरा युद्ध शरभर में समाप्त कर देगा। तो मतलब यार जहाँ से भी देख रहे हैं तो देख लो यार, ये है बागेश्वर का क्रेज। और ये वाली जो सीट है ये वो जो है जहाँ पर जो है मतलब फैमिली सीट है, आप अपने परिवार के साथ आते हैं और इस रामलीला का आनंद लेते हैं। तो मैं कहता हूँ दबदा तो सभी मित्र बड़े भाई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक एक करके मैं नाम इतना नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वो सभी आए हैं। तो मैं पूरे रामलीला का एक चक्कर काटूँगा और फिर जो है फिर यहाँ पहुँचूँगा। और आज जो है हमारे पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी आए हैं, जो क्या बात है प्रेमदान अध्यक्ष जी, और पालिका अध्यक्ष भी बैठे हैं और हमारे व्यापार संघ पूर्व अध्यक्ष पीछे पंकज दा। तो ये है प्रेमदा, खासकर तुम्हें बैग पकड़ा क्यों नहीं स्टैंड खोल दे स्टैंड तुम्हें यहाँ बटी और हमारे नंदिन जो बैठी यहाँ बटी पूर्व दर्शन जगह भेद फिर जो है भी आऊँ ना। ये देखो यार, हेलो बच्चों, ठीक है आप लोग? हमारा पार्ट हो गया, कोरस अभी और है। ये देखो यार, ये जलेबी किसने खाई? नमस्ते बेटा। शुक्राचार्य को ध्यान आए। तो मैं कह सकता हूँ यार, हमारी माताओं बहनों में भी रामलीला का इतना ज़बरदस्त क्रेज है। हमारे दीपांशु जो है ऐसे मूंगफली खा रहे हैं यहाँ बैठ के। जय श्री राम। और यहाँ जो है निकम्बुला देवी की पूजा हो रही है और जहाँ मेघनाथ बैठे हुए हैं। हेलो बच्चों, असत्य का नाश हो। तो यहाँ के बाद मैं एक बार अंदर जाऊंगा जहाँ जो है। हेलो गाइस, आप यहाँ बैठे हैं यार, हेलो, नमस्कार बेटी। तो इसके साथ साथ मैं अंदर ये दिखाना चाहूँगा कि नेकर रूप में क्या होता है। कांडवाल जी, हेलो मगरधज, अभी है तुम्हारा घमासान, क्या बात है यार। हेलो बागेश्वर, हेलो बागेश्वर,
तो मेरे मनोज भाई है मनो, ये फोटो यार सेल्फी होनी चाहिए यार। तुम्हारा डांस और तुम्हारा जो मतलब जितनी चीजें आपने जितने भी पास किए हमारे सब मित्र कह रहे हैं कल का डांस है तो तुमने और आज भी जाना है डांस। दो तीन डांस आपको बैठने का है, मैं देर में आया यार। तो ये है स्मार्ट से हमारे तो यहाँ हमारा मेकअप होता है और यहाँ जो है आज हमारे अजय जी ये आज चाय व्यवस्था चल रही है। अच्छा अजय जी यहाँ चाय में है क्या? ओ माय गॉड सुलोचना क्या है बेटा आपका पहला पहली बार है? नहीं मैं पार्ट बहुत पहले खेले हुए हैं, इस बार 3-4 साल बाद आई। तो कैसा रहा फिर? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो आज सुलोचना का है कौन सा वाला कोई बोल कौन की क्या बात है यार। अभी है ना आपका? ठीक है हम देखेंगे भाई 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 भाई। हमारे भाई साहब का भी पात्र पार्ट था ना तो अरे बाप रे देखो हमारे भाई साहब का कह रहे हैं कि पार्ट देखकर मैंने ये हमारे राउंड के किरदार में गुन्ना भाई है जिनका किरदार जो है विशेष होता है और इनकी डायलॉग डिलीवरी साफ कर रहे जिनका उनको ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल भाई ये जो है ना ये कमेडी के अंदर की बात है। जय श्री राम बिल्कुल राम सेवा है। और थोड़ा सा मैं अब जो है नब्दा प्रणाम। तो ये जो है ना ये वो लोग हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नब्दा आप वो लोग हो जो दिखाई नहीं देते हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि यार पर्दे के आगे तो सब रहते हैं ना, पर्दे के पीछे वाला सीन। दादा ये बंद कर दिया है। हाँ तो ये है क्रेज यार रामलीला का। और ये हमारे रामचंद्र जी बैठे हुए जय श्री राम जय श्री राम। क्या बात है जय श्री राम जय हो महाराज महाराज की जय हो। तो ये सभी किरदार जो है हनुमान के पात्र में हमारे कौशल भाई हैं। और भास्कर थोड़ा मुझे 2 मिनट दो मुझे लेना इसको पकड़ो इसका आनंद लो। पानी का बोतल ना तो मैं स्टैंड फिट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम फिर ऐसे दिखाएंगे। कल मेरा हाथ थक गया था यार। तो जो लोग अभी देख रहे हैं उनको बताना चाह रहा हूँ यार ये जो रामलीला चलती है ये बागेश्वर की रामलीला है और ये विशेष इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जो है हर कोई मतलब हमारी ये कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा करने की। Thank you.
खुर्दा भैया है रावण का पुतला लगभग साढ़े 12 बजे करीब और रामलीला कमेटी द्वारा आज जगदीश नारायण मनोज जोशी लक्ष्मण सभा सुग्रीव हनुमान सहित मेघनाथ के यज्ञ स्थल में जाकर उसका यज्ञ भंग कर दो। अमन देखा सबसे बढ़िया बात है कि दशम दिवस के दिन श्री रामला कमेटी बागेश्वर आज जो है चाय जलेबी की व्यवस्था की है और रामलीला कमेटी द्वारा मतलब उनकी कोशिश की मतलब जो देवता ठंड हो उदू देवता इन सबन के विभीषण ये बताते हैं कि अभी जो है माँ निकम्बला देवी की पूजा सही धर्म
तो यहाँ जो है श्री राम जी जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि उनकी पत्नी मेघनाथ की पत्नी वो पवित्र होता है और वो बहुत तपस्वी है। अगिरे तुम बाबू शुरू लगी मिलाया मेरी शुक्राचार्य जो है तो हनुमान जी द्वारा वो अग्नि बुझाई जाती है और मेघनाथ और यहाँ युद्ध बड़ा जबरदस्त होता है और इसके बाद जो है ना सुलोचना का पाठ है बड़ा जबरदस्त और सुलोचना के हर एक पाठ जो है बहुत सुनने लायक है। अभी देख रहे हैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ मेघनाथ के पात्र हमेशा की तरह मनोज जोशी जी है और लक्ष्मण के पात्र आशीष शाह है। अरे दुष्ट आज मैं सबका बदला लूंगा। और अब जो है युद्ध होता है और युद्ध जब होता है युद्ध में ये नहीं देखा जाता किसे लगता है। आपने अभी देखा होगा Thank you.
सर बचे हैं। हेलो बच्चों, हनुमान जी ने पिटाई कर दी राक्षस। बंदर जो है जैसे उपद्रव मचाते हैं, वैसे ही जो है राक्षस जो है बंदरों को नचा रहे हैं, और राक्षसों को जो है उन्हें जो है हनुमान जी नचा रहे हैं। देखो बागेश्वर की रामलीला विशेष इसलिए है क्योंकि ये रामलीला जो है फील्ड की रामलीला होती है, मतलब ये सिक्किम से यार एक बार जरूर लिखना कौन कहाँ से इसे देख रहा, और ये जैसे अगर यहाँ पर जो है मेघनाथ बंद हो गया अभी थोड़ी देर पहले, मेघनाथ जी को लक्ष्य, ओ माय गॉड क्या बात है यार।
तो मतलब यूवी रावत जी क्या बात है यार, सिक्किम तो कांपनी जखंजा जरूर लिखे यार, मैं कमेंट पढ़ना मेघनाथ साधु है, तपसी है, उसकी नारी सुलोचना योग शक्ति से परिपूर्ण है, उसका शीर्ष यदि युद्ध में गिर जाएगा, रणभूमि में गिर जाएगा तो विध्वंस हो जाएगा, तो लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के अंग छिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं, जो हाथ लक्ष्मण का होता है वह लंका में उनकी पतिव्रता सुलोचना के पास जा गिरता है और उनका शीश श्री राम के चरणों में जा गिरता है। यदि वह शीश धरती पे गिर जाता तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता, ऐसा भी वरदान मेघनाथ को था। तो बहुत ही बलशाली चरित्र है मेघनाथ का। उल्ली जी आपको ले चलते हैं सुलोचना भवन की ओर, सुलोचना जहाँ अपने सखियों के साथ विराजमान है। अरे ये भुजा कौन की, तो वहाँ पर बहुत जबरदस्त है, हमारे भाई साहब इसे इसका हमेशा किरदार करते थे, इस बार वो अस्वस्थ होने के कारण वो जो है इसे नहीं खेल पा रहे, नहीं तो अभी भी मतलब हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेश जयतवाल जी निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर वालों द्वारा हमें रामलीला संचालन हेतु 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है, और साथ में आए हुए विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा इस बार प्रेम अररिया जी द्वारा 2100 रुपए की धनराशि रामलीला कमेटी को रामलीला संचालन हेतु प्रदान की गई है। हम आप महानुभावों का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी द्वारा जो है अध्यक्ष जी द्वारा 5000 रुपये और हमारे प्रेमदा द्वारा 2000 रुपये की धनराशि रामलीला कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए दी गई है, और ये विशेष बात है, हमारे नब्दा जो है दूर से इसका आनंद ले रहे हैं। यार यही है मजा है, दूर से तो मजा ही है, क्योंकि हम भी जो है बहुत दूर से इसका मजा लेते हैं, लेकिन अब जो है ना इसके कारण, किसके कारण, ये लाइट के कारण हमें यहाँ पर है ना यूवी अभी क्या बागेश्वर से क्या बात है यार, सदा बहुत ड्यूटी आर्मी में है तो क्या कर सकते, बिल्कुल यार आर्मी की ड्यूटी है, आप लोगों की मजबूरी है यार, आप हमारे देश के लिए बॉर्डर में बैठे रहते हैं, तो हम जो है ना हमारी कोशिश है कि हम जो है आपको यहाँ से बागेश्वर का जो एक वो है तो कह सकते हैं कि तो वहां पर एक हाथ गिरता है, तो ये हाथ लक्ष्मण द्वारा सुलोचना के कक्ष में जाता है, तो अब जो है अरी ये भुजा कौन की, तो बड़ा जबरदस्त प्रसंग है, इस बार जो है इसे हमारी छोटी बहन इसका वो करती है, क्योंकि इससे पहले हमारे मतलब युवा इसे करते थे, मतलब लड़के करते थे, तो इस बार जो है एक बच्ची इसे करती है, तो उसको जो है आप प्रोत्साहन जरूर करें।
चार लड़की का पीस है। अच्छा बताओ यार कितना जबरदस्त अभिनय कर रहे हैं। देखो हमारी बच्ची जो है इतना प्यारा, मतलब देखो इतना कॉन्फिडेंस, इतने बड़े मंच में हजारों लोग अभी देख रहे हैं और बहुत मतलब आराम से इस पार्ट को कर रहे हैं। मतलब यार यही बात है ना, शीशा उतारे हैं लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर मुक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ, आत्मा विनाशी विचर रही, सुख से अनंत के अंचल में, हे सुलोचने धड़तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामातल में, सतवंती उसी सत्व की तुम, लंका में ज्योत जगा देना, कहते हैं किसको प्रतिव्रत, यह दुनिया को दिखला देना, सुलोचने यह दुनिया को दिखला देना। तीनों लोग के हर्ता करता शरण बिहारी में आई, तो आज एक बहुत बड़े किस्मत के लोग आए। मैं बाद में बात है विजय की ना,
बागेश्वर की राम लगी जो सफाई है वो बागेश्वर के पत्थर बन सकते हैं। सही बात। अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है। नहीं, परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं। दरअसल क्या है, हम लोगों को उन चौपाइयों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं हमेशा दो चीज़ों को मतलब हमेशा प्रमोट करता हूँ। एक डिजिटल, समय के साथ बढ़ना, जो समय के साथ बढ़ेगा वही रहेगा। क्योंकि देखो, एक समय ये होता था, जो लोग आप देख रहे हैं, आप सभी मित्रों से भी राय लेना चाह रहा हूँ, जो लोग पहले से क्या होता था कि साधन नहीं थे मनोरंजन, आज मनोरंजन के 10 साधन हैं। तो हमें हर प्लेटफॉर्म में बागेश्वर की रामलीला को उपलब्ध कराना होगा। जैसे सोशल मीडिया में है, आप यहाँ के अच्छे यूट्यूबर जो हैं उनको बुलाइए, उनको बैठने की भी व्यवस्था करो, और यहाँ के जो लोकल टीवी चैनल हैं उनको करो, आप उनको मंच दीजिए, स्थान दीजिए, तो फिर जो है ना लोग अपने घर में इसका आनंद लेंगे। आप ये मत देखिए कि ग्राउंड में कितना है, अगर ऐसा अगर सोचेंगे तो क्रिकेट मैच का कभी लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। क्रिकेट मैच कुछ लोगों के बीच में ही होता। जब तक आप जो है ना उसको मतलब व्यापक रूप में नहीं रखेंगे तब तक ये संभव नहीं है। ये अपना अपना सोचना होता है, ये मेरा सोचना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसा सोचें, लेकिन ऐसा है, गलत कह रहा हूँ। अच्छा भाई, कितना सहमत है आप मेरी बात से। अभी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन। यूवी रावल जी, क्या बात है यू भाई, थैंक यू यार। हमारे गुरु भास्कर जी हैं जो लगातार, मैं तो दो दिन से यहाँ आ रहा हूँ, बेहले आ रही थी, बेकार आ रही थी, आज उपहार कांड लीजिए। तो अभी हाय पुत्र, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। तुम तो बहुत ही पराक्रम थे। अरे बद्रीनाथ से क्या बात है यार। मुझे अपने पति का शीश मांगने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्री, जाओ रामाजन से अपने पति का शीश लेकर आओ। यहाँ से जो है रावण की आवाज भी मंद होने लगी, और कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान थे, उन्होंने अपने कुल का तरोतारण करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया, लेकिन कहानी कुछ और कहती है। शरण तोरे आई दीजो हरीशीष, बाटा दो।
आशीष लेने को आओ आई। नाच हो जाए रावण कर गया भीषण कह रहे हैं कि ये जो है और जगन्नाथ की नारी है जो अपने पति का आशीष लेने यहाँ आई है। हे सुलोचना, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को फिर जीवित कर दूँ। देखो यही श्री राम जी की हुआ है, मतलब तुम अपने भवन में अपने पति के साथ पूर्वक वास कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दया मकी ने। बच्ची इतना बढ़िया पार्ट कर रही है और हमें जो है ना ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। और मेरे मित्र कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, भास्कर भाई कह रहे थे ना कि रावण का पुतला जो पीपल का पेड़ है उसके ठीक आगे उसे जलाया जा रहा है। वहाँ पर मेघनाथ है रावण और महिलाओं ने ताड़का का बड़ा देर में जल रहा है, तो ताड़का का पुतला है। और मैं वही कह रहा हूँ यार, जो लोग देख रहे हो भाई लोग घर से आनंद मतलब दिख रहा, सही दिख रहा है। और अगर मेरे उसमें बंद हो जाए तो हमारे भास्कर भाई का जो पेज है भास्कर नेगी उसमें ये लाइव आप उसमें देख कर, गुरु भास्कर नेगी करके नाम से, तो आप जो है ना उसमें ये देख सकते हो। और ये लगातार मतलब प्रथम दिन से लाइव कर रहे हैं और इनकी कोशिश थी कि बागेश्वर की जो रामलीला है वो यहाँ से बाहर रहने वाले तो उसे ज़रूर देखें। वही चीज है मतलब उसी मतलब परंपरा को आगे ले जाएं। और आप जिस प्रकार जब बचपन में यहाँ थे मतलब नंचना या भेट नला या हड़पे जखने नला तो वो आनंद आईदा हो कोशिश थी। और अब जो ना सुलोचना जो जो सुलोचना जो थी बहुत बढ़िया मतलब पतिव्रता थी, तो उसमें एक शक्ति थी जम जो जो वो मेघनाथ जो कटी शीश जो जगह श्री राम जी हूँ मांग पे ले रही, तो वो दगा बात लाए। अब जो थी वो जो जो उन्हें दगा शक्ति आ जाए तो वो बतूनी कि मेरी हार का कारण कोई और नहीं तुम्हारे पिता हैं। तो सुलोचना जो पूछी बाबू जी वो थी नाग देवता, तो नाग देवता जो भाई वो लक्ष्मण अवतार थी, तो वो उन्हीं की मेरे हार का कारण, तुम हार के भी जीत गई सुलोचने जो एक मतलब डायलॉग वाला अल्लाह छोड़ा, तो वो कहूँ कि मैं हार के कैसे जीती, तो वो बोलूँगी मेरे हार का कारण कोई और नहीं तुम्हारे पिता थे, तो मतलब तुम्हारा पिता कारण है भी मौरी और जो मुझे तो बाण मारो तुम्हें बाप शेषनाग का अवतार जो उन्होंने मारो, तो ये प्रसाद बढ़िया थी। और जब मैं जी चू सुनो पटीशीष जगह बात करूँ आनंद आज मन के जरूर देखिए। और बादशाह ऑर्डर क्या बात है, देवालदा नमस्कार, आप बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ वीडियो बना रहे हैं यार, बढ़िया क्या बना रहे हैं बात ना, चलो महिपाल गंगी ओके। तो मतलब यह पसंद जरूर देखिए यार, देख रहा है जी देखिए यार। और ये मैं चंदन उपाध्याय जी चंद्रा उपाध्याय ओ नमस्कार, जय माता दी, मतलब पार्ट देख लो। हाँ बिल्कुल रावण का ना भाई रावण पार्ट अल्लाह जखला बन। हाँ देखो भास्कर भाई कह रहे हैं, तो अगर मैं उम्र नहीं देख लो, अगर घर जान पड़ रहा तो भास्कर भाई उम्र जरूर देख गया और रिकॉर्डिंग नहीं ना उम्र। तो अब जो कटी शीश जो जो प्रसंग के ऊपर जबरदस्त है देख गया, मैं हिगारी कैमरा कर लूँ और 1L जो मेघनाथ कटी शीश जो सुलोचना ले रहे वो देखो ना। हाँ हिगारी का ये देखो, और दर्शक गण यार देखो क्या बात है, बहुत बड़े
जो रात में ना जो धीरे धीरे भीड़ बढ़ चुका ना बहुत। अरे नंदी ने छुट्टी जो अब पड़ी ना वो कारण ही अच्छे कारण वाले की बहुत खुशी में पढ़ाई बहुत है। अरे यार दबाव है यार नंदी ना नमस्कार। तुम जैसी सती नारी के नेत्रों में अब सुनना सुनना सुनो सुनो अश्रुओं की धारा क्या है। अश्रुओं की धारा मेरा मन संकेत मेरी शंका का समाधान करें। अवश्य करूंगा सुनो तुम्हारी शंका का समाधान कहो 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 सोचने कहो। देखो वो कह रही मैं पवित्रता होने के बाद भी मेरी ऐसी हालत क्यों प्रिय अब सबकी थोड़ा उचित नहीं है शुक्र एक तरफ साधु सीता का एक तरफ साधु सीता अशोक वाटिका में पति भी हो अशोक वाटिका में पति भी हो और दूसरी तरफ उर्मिला का क्या उर्मिला का लक्ष्मण की पत्नी उत्तर उर्मिला लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य व्रत उर्मिला का क्या व्रत भक्ति और उर्मिला पिताजी के दुष्कर्मों के आगे मेरा पिताजी के दुष्कर्मों के आगे सुने सुने तुम हार कर भी विजयी हुई हो मेरी मौत का कारण तुम्हारे पिता है। देखो मैंने कहा तुम्हारे पिता है प्रिय तुम्हारे पिता है सुनो सुनो आओ प्रिय मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रतीक्षा में घर समाप्त हो रहा है सुनो सुनो आओ प्रिय सुनो सुनो आओ और अब जो है इसके बाद जो है तुम Thank you.
अब जो है बहुत जबरदस्त प्रसंग है जहाँ पर सूचना जिसे ज्ञात था कि उसके पति का वध करना इतना आसान नहीं, बहुत सी शंकाओं से घिरी हुई सुलोचना जब अपने तपोबल से अपने पति के शीश से अपनी मन की शंकाओं को मिटाती है, उन्हें ज्ञात होता है कि लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य के आगे, लक्ष्मण की भ्रात भक्ति के आगे उनका प्रतिव्रत काम नहीं कर पाया, तो वह अपने पति के साथ सती होने हेतु निकल पड़ती है और अपने दूतों से, अपने द्वारपालों से, अपने संगी साथियों से चिता तैयार करने के लिए कहती है ताकि वह भी अपने पति के साथ सतीत्व को प्राप्त कर सके। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है सुलोचना सती प्रसंग। मैं वही कहना चाह रहा था, हमारे नीरज भाई ने बताया जैसा कि अब जो है वो अपने जो रावण के मंत्री होते हैं उनसे कहती है कि तुम जो है सीता तैयार करो और मैं जो हूँ अपने पति के संग मतलब उस जलती चिता में बैठूँ। तो ये सतीव्रता उस समय सतयुग की कथा थी, वहाँ पर जो है इस प्रकार से मतलब सतयुग मतलब त्रेता युग, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता है फिर द्वापर आया मतलब। और मजे की बात यह है कि द्वापर पहले आना था, त्रेता फिर आना था, लेकिन अहिल्या जो शिला बन गई थी, अहिल्या के मतलब इतने लंबे तपस्या होने के कारण जो है एक पूरा युग जो है पहले आया। पिता तैयार Yeah.
हेलो हेलो संबंध का भी बड़ा अच्छा है यार। तो ये जो बहुत सारा जो कोई भी रामला के आसपास गलियों में हुड़दंग कर रहे हैं या अराजकता फैला रहे हैं तुरंत गलियों से हट जाए, इसके पश्चात वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर उन पर किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई होती है तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। या तो आप अपने घरों को प्रस्थान करें या तो रामला के पंडाल में शांति से रामला देखिए। ऐसे अगर आप यहाँ पर अराजकता करेंगे तो आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तुरंत आप नुमाइश के आसपास की सारी गलियों से हट जाएं, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो लोग हुड़दंग मचाने के लिए रामलीला आते हैं उन लोग खुद के जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि यह अराजक तत्व जो है इस छोटी बालिका पहुंचाने के लिए साक्षी पांडे द्वारा निभाया गया किरदार, जो कि हमारे संरक्षक डायरेक्टर श्री पंकज पांडे जी की सुपुत्री हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। साक्षी पांडे और संरक्षक महोदय का रामलीला कमेटी तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करती है कि उन्होंने अपनी बालिका को रंगमंच पर सुलोचना के किरदार में उतरने की अनुमति प्रदान करी। तो यह नन्ही सी बालिका का किरदार आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपको ले चलते हैं रावण अथा विलाप के बाद निकल पड़ता है अहिरावण को आमंत्रित करने पुकारने। अहिरावण जो कि पाताल लोक का राजा है, पाताल लोक के राक्षसों का राजा अहिरावण तो ले चलते हैं आपको अहिरावण रावण प्रसंग की ओर। ये जो श्लोचना सचिवालय अहिरावण से जब रावण विनती करता है कि ऐसा कष्ट हमारे कुल में आ गया है, हमारे परिवार में आ गया है, तो अहिरावण छल कपट में निपुण होता है। वह विभीषण का भेज बनाकर रामादल से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर उनपे नाग फांस डाल उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले जाता है। तो स्वयं जब दूतों से यह रामादल को ज्ञात होता है तो पवन पुत्र हनुमान निकल पड़ते हैं प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए। अहिरावण द्वारा अहिरावण की मृत्यु का कारण बनते हैं श्री हनुमान, जो हनुमान जी का आप पंचमुखी रूप देखते हैं वह यही अहिरावण। वध के समय अहिरावण की मृत्यु तभी हो सकती है जब कोई भी व्यक्ति उसके पाताल लोक में चले पांचों दियों को एक साथ बुझाता है। तो श्री हनुमान जी को यह युक्ति सूझती है तो वह पंचमुख धारण करके पांचों दियों को एक साथ बुझाते हैं और अहिरावण का वध कर देते हैं। तो जो भी पंचमुखी हनुमान की मूर्ति आपने देखी है वो यही प्रसंग है। अहिरावण वध के समय हनुमान जी को पंचमुख धारण करने होते हैं। तो आपको ले चलते हैं अहिरावण और रावण संवाद की ओर। देखो यार, ये बहुत विशेष बात ये बताई कि जब पंचमुखी, आप सभी ने पंचमुखी हनुमान जी देखे होंगे, तो उसका मेन मतलब उस रूप का मेन कारण है कि जब अहिरावण श्री राम तथा लक्ष्मण को उठा के ले गए थे तो उस समय वो जो पांच दिए अहिरावण के पाताल लोक में जलते हैं उन दियों को पांचों दियों को एक साथ बुझाना होता है। तो इसलिए हनुमान जो है पांच अपना रूप धारण करते हैं और उन दियों को एक साथ बुझाते हैं। बहुत विशेष बात है क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं था, लेकिन पंचमुखी मैंने
श्री हनुमान जी की मैंने फोटो देखी थी और एक लक्ष्मण का वो वाला भी अच्छा है, ये मैं कहाँ आ गया वाला, मैं गया था लड़ने को। सब एक ही तो हाँ। ये हनुमान जी का मुझे वो वाला भी यार अच्छा लगता है, क्या था यार वो तो कौशल ने गाया था यार, जिसमें वो रामचंद्र जी का जब अंगूठी देते हैं हनुमान जी को, पवन सुत नाचने वाली को बुलाओ। मनोज भाई फिर आ गए यार, मनोज भाई यार कितना किरदार करेगा यार भाई, ये जो डांस कर रहे हैं हमारे मनोज भाई हैं यार, मैं तुझे खोजा हूँ, मैं तुझे सुना।
मनोरंजन मत करो हमें ही रावण। देखो यार यही हमारे गुन्ना भाई है जो रावण का बड़ा जबरदस्त किरदार करता है। नाचो अभी सब मरोगे सब खात्मा होगा सब खात्मा होगा। तो मैं ये कह रहा था जो आप अभी डांस देखो तो वो कह रहे हैं कि जितने भी हैं सब मरेंगे। आप सभी के सामने दर्शन है अहिरावण राम रघुपति भागेश्वर की अगले प्रस्तुति अहिरावण जी अहिरावण जी कमेटी द्वारा भव्य पुतलों का निर्माण भी किया गया है। आप
हेलो हेलो पता सहयोग प्रदान करें Thank you.
बड़े रूपी रे रूधिर राम लखन दुई मनुजन सारे राम लखन दुई मनुजन सारे राम लखन दुई मनुजन सारे राम लखन बोलो बड़े में बहुत तेज था तो वो जो है विभीषण का रूप धारण करके रामा दल में जाते हैं और राम तथा लक्ष्मण को उठाकर ले जाते हैं।
तो और मतलब रावण के जो द्वारपाल होते हैं ना वो होते हैं मकर ध्वज। कहा जाता है कि भगवान के हनुमान जी के पुत्र हनुमान जी सबका दहन करने के बाद जाते हैं उनके पसीने के समुद्र में करते हैं और उसे मगरमच्छ से निकल लेता है कुछ समय और वही मगरमच्छ से पेट से मकर ध्वज होता है। रावण वध और पुतला दहन तक का कार्यक्रम इस रंगमंच के माध्यम से आप सभी के बीच में कुछ ही समय में दिखाया जा रहा है। जय श्री राम। विभीषण का रूप धारण करके रावण राम तथा नागपाश से सबको बेहोश करेंगे। और हनुमान जी पहचान लेते हैं कि आप अहो लग गए, इतनी रात्रि में कहां से आ रहे हो। और हनुमान जी के किरदार में हे वायु पुत्र मैं संध्या वन के लिए गया था। संध्या वन के आने में कुछ विलंब हो गई। यहाँ जो है मंत्र पढ़कर सबको बेहोश कर दिया जाता है। जैसे सारा रामादर धूल निद्रा में सोया हुआ अहिरावण जो भीषण का रूप भर के रामादर में पहुंचे वो सभी को राम और लक्ष्मण को अपने पाताल लोक निकल जाते हैं। Thank you.
यहाँ जो है विभीषण के रूप में अहिरावण राम लक्ष्मण को अपने पाताल लोक को जाते हैं और वहाँ जो है आगे से बड़ा ज़बरदस्त प्रसंग है। अगर बच्चा अच्छा खेल गया तो मज़ा आएगा, मगर ध्वज और हनुमान का बड़ा ज़बरदस्त प्रसंग है। देखते हैं ठाकुर बहुत बढ़िया लोग। अच्छा प्रभु श्री राम कहाँ गए? हे लंकेश, प्रभु रामचंद्र जी कहाँ गए? हे मानरो, तुम सब सचेत रहो, प्रभु श्री रामचंद्र जी सातों लोकों में जहां भी हो मैं उन्हें लेकर आऊंगा। बच्चिया बल रामचंद्र जी। और यहां जो है हनुमान जी जाते हैं और अब जो है मगरध्वज का पाठ है। मगर ध्वज का बड़ा जबरदस्त है। पहले से हमारे हिमदा खेलते थे और कैलाश कर्मियाल, कैलाश कर्मियाल बहुत जबरदस्त है। कैलाश भाई बड़ा अच्छा खेलते थे। हाँ विभीषण का वीर राम लक्ष्मण को अपने साथ पाताल में ले जाता है और श्री हनुमान को जैसे ही ज्ञात होता है कि यह कृत्य अहिरावण द्वारा किया गया है,
तो वह निकल पड़ते हैं प्रभु की गोद पाताल, पाताल लोग जहाँ पहरेदार है मकरध्वज, मकरध्वज यह वही मकरध्वज है जब श्री हनुमान जी द्वारा लंका का दहन किया जाता है, तो अत्यंत थकने के उपरांत प्रसवित जिसे पसीना कहते हैं वह मुंह धोने के लिए समुद्र में जाते हैं और उनके पसीने की बूंद एक मछली द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उसी पसीने की बूंद से मकरध्वज नामक शक्तिशाली वानर उत्पन्न होता है। जब अहिरावण को यह ज्ञात होता है कि इस समुद्र में, इस पाताल लोक में एक महाबलशाली वानर है, तो वह उस मकरध्वज को अपना द्वारपाल बना देते हैं। मकरध्वज स्वामी भक्त होता है, वह हनुमान जी को पाताल लोक में जाने से रोकता है। जब हनुमान जी द्वारा पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो मकरध्वज द्वारा अपना सारा विवरण दिया जाता है। पिता होने के उपरांत भी मकरध्वज द्वारा हनुमान को पाताल लोक में नहीं जाने दिया जाता है। मकरध्वज बड़ा ही स्वामी भक्त और अपने पिता से युद्ध करता है। हनुमान जी द्वारा उन्हें बांध कर पाताल लोक में प्रवेश किया जाता है। तो यह प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है, मकरध्वज हनुमान प्रसंग। पाताल लोक में हनुमान जी पहुंच चुके हैं और द्वार पर बैठे हैं मकरध्वज। और अब जो है हनुमान जी को रोकने के लिए मकरध्वज, ये देखो छोटा सा बच्चा हनुमान जी को कहता है कि आप जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। Thank you.
शुक्ला जी नमस्कार सर। बच्चा क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखो। बिना स्वामी की आज्ञा के हमें प्रवेश नहीं करने देंगे। ये देखो, ये बहुत जबरदस्त प्रसंग होता है, दो तो हनुमान एक साथ। अरे बाप रे, अरे रे रे, देखो हमारे हनुमान जी को मार रहे हैं, हनुमान जी के पुत्र हनुमान जी को।
पर जो है मगर ध्वज को बांध दिया जाता है और बांध दिया ना मगर ध्वज को। और एक टाइम ऐसा था सुरेश पंत जी जब इसे खेला करते थे पर भी सुरेश पंत जय इतना मतलब ना मतलब हिलाते थे इस बच्चे को जो आप मगर ध्वज और फिर यूँ कान लगाएंगे फिर चिड़ाएंगे मतलब एक अलग ही माहौल होता था और बच्चे हंसते थे खेलते थे। एक तरफ श्री हनुमान मकर ध्वज को बंदी बनाकर पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और पाताल देवी से सहायता मांगते हैं। पाताल देवी के मंदिर में छुपे हुए हनुमान जी और उसी पाताल देवी की बलि को लाए हुए राम लक्ष्मण अहिरावण पूजा कर रहा हुआ। तो ये बालक ने बड़ा अच्छा अभिनय किया जो मगर ध्वज का पार्ट खेला जिन्होंने उतना छोटा बालक और उतना जोर से बोलते बोलते हाँफ जाते हैं हनुमान जी वहाँ पहले सभी राक्षसों को हनुमान जी Thank you.
हनुमान अहिरावण युद्ध पंचमुखी हनुमान का रूप जो आप देखते हैं वह इसी पाताल लोक में जब देवी द्वारा उसे विधि बताई जाती है कि पांचों मुंह से एक बार में दिया बुझाना होगा तभी अहिरावण की मृत्यु हो सकती है। तो हनुमान जी दिया बुझाने के उपरांत अहिरावण के बलि कक्ष में प्रवेश करते हैं और वहीं अपनी लीला दिखाते हैं। हनुमान जी लाल देह लाली लस और धरि लाल लंगूर वज्र देव दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम चंद्र की जय बल पवन सुत हनुमान की जय। देखो यह है हनुमान का बल। तुरंत पश्चात राम लखा बेटी की अगली प्रस्तुति रावण वध तत्पश्चात पुतला दहन तक का कार्यक्रम आज यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से हमारा निवेदन है कि शांतिपूर्वक थोड़ा सा समय हमें और देंगे जिससे कि लीला का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। बैठी रहे मटमाई थी भाई करे तो भाई कभी से अरे आगे रावण यहाँ से जो है राम जी यार एक टाइम था जब ना हनुमान जी कंधे में रख के लाते थे श्वेत पंथ जी हाँ वो फोटो भी मतलब आपने देखा होगा बहुत बार देखा होगा एक दोनों हनुमान जी अपने कंधे में राम और लक्ष्मण को लाते थे। ये उसी समय का सीन है जब अहिरावण की जो पाताल लोक से जय तुमने इस वानर को क्यों बंदी बनाकर रखा हुआ है? दुबई से क्या बात है महिपाल नमस्कार सर मेरा नाम है बागेश्वर के रामलीला का मैं आपका स्वागत है। हे वायुपुत्र इसे इन बंधनों से मुक्त कर पाताल लोक का राजा घोषित कर दो। तो यहाँ पर जो है पाताल लोक का राजा
मतलब मकर ध्वज को बना दिया जाता है। और रमेश रौतेला जी लिख रहे थे, नेहा पांडे, जय श्री राम, गीता जोशी जी लाई, भूपेंद्र सिंह टंगड़िया जी, महिपाल नेगी जी, यार जितने भी मित्र देख रहे हैं आप सभी को दिखाना चाह रहा हूँ, ये बागेश्वर की रामलीला है। और हमारी कोशिश है कि आपको ये दिखाने की यार बागेश्वर की रामलीला का आनंद आप भी लीजिए। हे मगरध्वज, इस घड़ी से तुम्हें पाताल लोक का राजा नियुक्त किया जाता है। क्या बात, अब तुम हमें मत रोक। तो यार श्री राम जी की जब बात होती तो सभी लोग जयकारा लगाते। गाना लगाए तो डांस करूँगा, इसके शर्मा जी जैसी ऐसी आ रही है कि मैं रहूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया है भाई, कम से कम एक लोग जो है ना मनोज भाई का डांस देखने के लिए कितने लोग मिलते हैं। और अभी हमारे काकू भाई ने बताया कि मनोज जो डांस कर रहे हैं अब जो है रावण का दरबार लगेगा, नारदाना 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 वाले बहुत गाढ़ा हो रहे तेरे को, कुछ वो मंगवाओ यार। अब डांस है, कमीज पहन रखा है तूने। तो यहाँ तो ये हमारे जो वानर सेना यहाँ, और अब जो है रावण का दरबार फिर लगने वाला है यार, फिर जो है ना आई झूठी होने वाली। हाँ शोभा अश्वाल जी, दीदी नमस्कार, जय श्री राम। अभियान का वध करने के बाद हनुमान जी मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर रावण को ज्ञात हो जाता है कि अहिरावण की भी लीला समाप्त हो चुकी है। तो समय अब मैदान पर राम जी से युद्ध करने निकल पड़ता है। बल बुद्धि विवेक का ज्ञाता महापंडित महाप्रखंड रावण, सीता हरण जिसके लिए सर्वनाश का कारण बनता है, जो यह प्रतीत कराता है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी बलशाली हो, यदि चरित्र हनन है तो फिर आपकी बुद्धि बल विवेक किसी काम नहीं आता। तो ले चलते हैं आपको रावण दरबार की ओर। नारदाना वाला मनोज भाई की फरमाइश आई है। घंटी बज गई है बच्चों, मंत्री नाचने वाली को बुलाओ। युद्ध में जाने से पहले हम मनोरंजन करना चाहते हैं। तो इस रामला का यह अंतिम चरण है। क्या होने वाला है, बहुत ही शांति से कमेटी को सहयोग करके लीला का आनंद लीजिए। महाराज
तो मनोरंजन हो गया युद्ध की तैयारी करो। सेना सजाओ, तंगा बजाओ, युद्ध की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। ये होता है गलत नीति का नतीजा। रावण जैसा बलशाली आज एक भी नहीं है। चलो युद्ध की तैयारी करो। जो आ गया हम महारानी से मोर्च हाथ करके आते हैं। किले में हम जो कर रहे हैं इसके बारे में हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा महारानी। महारानी हमको युद्ध में भेजने से पहले मुस्कुरा कर हमें युद्ध में भेजो। मुस्कुराओ महारानी, मुस्कुराओ महारानी, मुस्कुराओ। बिल्कुल लगा।
बालाजी का डालो हमारे नवदा तपस्वी तू है रुक्मन जिसने मेरे पुत्र मेघनाथ का वध किया। मैं राम से पहले तुझे ही जब लाभ पहुंचा देता हूं। अरे नीच मैं प्रभु राम की शपथ लेकर कहता हूं जिस तरह मैंने तुम्हारे पुत्र मेघनाथ को यमपुरी पहुंचाया था उसी तरह तुम्हारा भी संहार करूंगा। यह दुष्ट मेरा शिकार है इसे मैं क्षण भर में मृत्यु लोक भेज देता हूं। तुम राक्षसों के समस्त कटक का नाश कर धरती नरक को निशाचर मुक्त कर दो। शिकारी होता है देवी धरा पर अनेकों देवताओं ने तुमसे अनेकों बार आग्रह किया परंतु तुमने दुष्कर्मों का त्याग नहीं किया। फलस्वरूप मैं तुम्हारे समक्ष मेरा तुम्हारे प्रत्यक्ष होना इस बात का सूचक है कि स्वर्ग तुम्हारे संसार का पैर है। इस घड़ी को तुम्हारा अंत है रावण पुतला कितने में जो कार्यकर्ता आपके घर और ऑफिस के लिए GRMDI Thank you.